हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे एनजीएल फिनकैप लिमिटेड का कॉरिडोर का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है। इफ अगर आप देखने जाएंगे कंपनी के डेटा फिर रैक्स में दिए गए हैं। सो इसको हम रोज में काउंट करेंगे। यहाँ पे स्टैंड कंसोलिडेट प्लस स्टैंड ऑन दोनों ही रिजल्ट दिए गए हैं। सो चलिए, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है कंसोलिडेट वाले रिजल्ट देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जूमआउट करके आपको दिखा देते हैं नंबर्स कैसे क्या, क्लियर कट नहीं भी दिख रहे हैं इसमें, नंबर्स बोल के दिखा रही हूँ। करेंटली कंपनी ने कितने का रेवेन्यू जनरेट किया, 93 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 90 करोड़ का। सो लगभग 3 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टरली वाइज बढ़ता देखने को मिल रहा है। 2023 में सभी के सेप्टेम्बर के रीडिंग में कंपनी का 80 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी कितना 93 करोड़ का रेवेन्यू है। तो लगभग 13 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे, मीन्स जो कंपनी का सेल्स होता है वो यहाँ पे इतना क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस की। करंट क्वार्टर में कंपनी ने 85 करोड़ का एक्सपेंस किया, पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ का। सो क्वार्टरली बस 1 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है। पिछले 2023 के क्वार्टर में मीन्स तभी के टाइम पे 69 का एक्सपेंस, जो कि भी 85 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है। तो कंपनी के एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली थोड़ी लिमिट यहाँ पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते कंपनी के प्रॉफिट नंबर की। सो कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे दिया गया, करंट क्वार्टर में कंपनी 9 करोड़ का प्रॉफिट किया, मीन 9.81 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9.21 करोड़ का। सो प्रॉफिट नंबर कंपनी का लिटिल बिट यहाँ बड़ा है ना लैक्स में। एंड 2023 में कंपनी 10 करोड़ के प्रॉफिट में थी, अभी 9 करोड़ के प्रॉफिट में। सो ईयरली बेसिस पे जैसा ग्रोथिंग चाहिए था वैसा ग्रोथिंग इसमें क्या नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक थोड़ा बड़ा डाउन हो सकता है कल के दिन। सो ये था कंपनी क्वार्टर का रिजल्ट। एंड आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए, सो क्या लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।